नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाएंगे जुकुनी चिकन रोल, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया है चिकन कीमा, उसके बाद मैंने चॉप करके कोरिएंडर लिया है, और रेड चिल्ली फ्रेश लिया है, थोड़ा सा जिंजर चॉप करके लिया है, और ब्लैक फंगस मशरूम लिया है दोस्तों, और थोड़ा सा मैंने लीक को चॉप करके लिया है। अब हम सभी को एक साथ मिक्स करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने बड़ा चम्मच से एक चम्मच ओस्टर सॉस यूज़ किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है और अरोमेट पाउडर लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वाइट पेपर लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सेसमी ऑयल लिया है दोस्तों। सेसमी ऑयल का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका फ्लेवर, तो मैंने सेसमी ऑयल लिया है। अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमारा फिलिंग रेडी हो गया। फिलिंग रेडी होने के बाद मैंने छोटा सा एक मीडियम साइज का जुगनी लिया है, और जुगनी को मैंने इस तरह से कट किया है, थोड़ा सा साइड का कट करके मैंने निकाल दिया है, और इसको मैंने एकदम मीडियम साइज़ में लिया है। इतना ही साइज़, कोई बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम एक साइज़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने पीलर से पील किया है दोस्तों, और थोड़ा सा डीप पील किया है ताकि इसका स्लाइस निकले दोस्तों। तो मैंने इस तरह से एक एक करके मैंने इसका स्लाइस निकाला जुकुनी का। उसके बाद मैंने ऐसा बिछा दिया है उसको, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक के ऊपर ऐसा रखा है दोस्तों। मैंने एक एक करके सभी को इस तरह से लगा दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने कम से कम 22 से 25 ग्राम का मैंने यहाँ पर फिलिंग लिया है, चिकन फिलिंग। तो एक एक करके मैंने रख दिया इसके ऊपर, जो जुगनी के ऊपर जो मैंने पील करके स्लाइस निकाला था। तो दोस्तों अब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरह से। मेरे पास स्कैपर था तो मैंने स्कैपर से ऐसा उसको उठा के मैंने फोल्ड किया है, ताकि मुझे बहुत इजी लगा। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हो, ऐसा इस तरह से फोल्ड करना है, देख लीजिए। जब फोल्ड हो जाए, जब रेडी हो जाए, तो दोस्तों मैंने एक इस तरह का एक बर्तन लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बर्तन में आप रख के आप स्टीम कर सकते हैं इसको। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शेजवान सॉस लिया है दोस्तों, शेजवान पेपर सॉस है ये। अगर इसका रेसिपी चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसका ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मैंने यहाँ पर रख दिया है स्टीमर में, 5 से 6 मिनट तक इसको स्टीम करना है। हमारा स्टीम होके रेडी हो गया है यहाँ पर डंपलिंग। देख लीजिए पक्के रेडी हो गया। आ हा हा, देखने में इतना अच्छा भी लग रहा है। अब खाने में दिखते हैं दोस्तों। ओहो, लाजवाब दोस्तों। ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।